हाल ही में गिरफ्तार किए गए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीसीपी शेख आदिल मुश्ताक को निलंबित कर दिया गया है। अगर उनका गुनाह सुनेंगे तो कांप जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। उन्हें अगले आदेश तक प्रदेश सरकार ने जोनल पुलिस मुख्यालय कश्मीर के साथ अटैच कर दिया। मुश्ताक पर टेरर फंडिंग से जुड़े एक आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने और घूस लेने का आरोप है। ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर पुलिस मुश्ताक को 21 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस ने उसे 6 दिन की रिमांड पर ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 सदस्यीय एक SIT का गठन किया गया और उसे इस मामले की जांच सौंपी गई। प्रशासन की जांच में सामने आया कि आदिल मुश्ताक ने लश्करे तैयबा के आतंकी उमल आदिल डार और जहूर मुजम्मिल पर सर्विलांस लगाया था। इसके बाद इसी साल फरवरी में उनके कब्जे से 32 लाख रुपए बरामद किए गए। इस दौरान आदिल मुश्ताक की करतूत का पता चला कि इस पूरे मामले की जांच करने वाला DSP आदिल मुश्ताक ही था और उसने टेरर फंडिंग के आतंकियों को बचाने के लिए 2.7 लाख रुपए की घूस ली थी। मार्च 2023 में उसे नौगाम और जांच से हटा दिया गया। तब मुश्ताक ने अपने जूनियर के जरिए फर्जी बयान दिलाकर मुजम्मिल को बचाने की कोशिश की। मुश्ताक के खिलाफ लगने वाले आरोपों से जम्मू कश्मीर पुलिस की हर तरफ आलोचना हो रही थी। इसे केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस की छवि को भारी नुकसान हो रहा था। उसके बाद पुलिस ने आदिल मुश्ताक के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार पुलिस के हाथ ये सबूत लग ही गए। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि आदिल मुश्ताक अपनी गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के साथ साथ DSP जैसे महत्वपूर्ण पद का भरपूर मिसयूज करता है। जब वो ट्रैफिक पुलिस में था तो वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लड़कियों का यौन शोषण करता था। इसके लिए उसने एक होटल में कमरा तक ले रखा था। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में बतौर DSP मुश्ताक पैसे वाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अपने सामने पेश करवाता था। इनमें फर्जी मामले भी होते थे जो उसके कहने पर बनाए जाते थे। मुश्ताक ने श्रीनगर के एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में कमरा ले रखा था, वहीं पर धमका कर इन लड़कियों का यौन शोषण करता था। उस पर पिछले 6 महीनों तक लगाए सर्विलांस में सामने आए तथ्यों के आधार पर बनाए डोजियार में बताया गया है कि मुश्ताक होटल के कमरे में ले जाकर युवा महिला का शोषण का वीडियो बनाता था। इसके आधार पर उन्हें वो ब्लैकमेल भी करता था और धमकाता था कि उसका सर्विस अभी लंबा है और आगे जाकर वो परेशानी में पड़ जाएंगी। वहीं TOI के मुताबिक जांच में ये बात भी सामने आई है कि आदिल मुश्ताक ने सीज किए गए 200 से अधिक जानवरों को बेचा है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के दफ्तर से वो 4 टेंट और 16 स्लीपिंग और कैरी बैग लेकर अपने घर चला गया। आदिल अपने ऐशोआराम की जिंदगी जीने के लिए सरकारी संपत्तियों का खूब दुरुपयोग करता था। उसे सोशल मीडिया का भी खूब शौक था, वो इन पर खूब सक्रिय रहता था। उसके लगभग 47,000 फॉलोअर हैं। वो सोशल मीडिया पर अपनी ऐशोआराम की जिंदगी का खूब प्रदर्शन करता था। बताया जा रहा है कि साल 2020 में ऐसे ही एक और डिप्टी SP देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। टेरर फंडिंग में सहयोग करने के कारण देवेंद्र को आखिरकार सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। कहा जा रहा है कि आदिल को भी बर्खास्त किया जा सकता है। DSP शेख आदिल के दिल्ली के कई मीडिया संस्थानों से अच्छे संबंध थे। इसके अतिरिक्त वो जम्मू और कश्मीर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ भी लंबे समय से संपर्क बनाए हुए थे। बताया ये भी जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने अपने घर से कूदकर भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्लस हुए मामले पर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।